हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उज्ज्वल गहोई। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अविद्या एकेडमी। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स। यस सर, रेडी। तो कूलम्स लॉ कल हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? तो एक बार हम थोड़ा सा उसे रिवाइज कराए दे रहे। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। तो कूलम्स लॉ में हमने बताया था कि जो कूलम्स लॉ है वो दो चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? तो कूलम्स लॉ में कहेंगे द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of the distance between them. ठीक है। तो अच्छा, इसमें हम कहेंगे कि force चूंकि कैसी quantity है, vector quantity है, ठीक है? direction के बारे में हमें और अभी इसमें एक बार पता करना पड़ेगा। तो अगर हम दो charges को consider कर लें, हम मान लें कि हमें दो charge दिए हुए हैं, एक कुछ इस तरह से है plus q1, ठीक है? एक प्लस क्यू वन चार्ज ले लिया हमने, एक दूसरा चार्ज हम ले लेंगे क्या प्लस क्यू टू, इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली। तो जो फोर्स आएगा, ठीक है, जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन किस तरह से होगी? वो डायरेक्शन हो जाएगी इन्हीं दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड फोर्स हो जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। तो अभी हमने चूंकि कैसे चार्ज लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं, तो इस पे हम कहेंगे ये हो जाएगा क्या फोर्स टू किसकी वजह से? Q1 की वजह से, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन, ठीक है? तो हम यहां पर लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज टू, तो इसको लिख दे रहे हैं एफ टू वन। इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, एफ वन टू, ये हो जाएगा एफ वन टू, एफ वन टू, ठीक है? तो जो हम कहेंगे कि जो डायरेक्शन हो जाएगी, इसमें हम कहेंगे सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हेंस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग them, या दे आर सेंटर्स कह सकते हो, ठीक है? लाइनिंग देम ही रखो भी, सेंटर्स में थोड़ा सा। तो अगर हम कहेंगे कि चार्जेज अगर कैसे हो गए, लाइक चार्जेज हो गए, तो क्या हो जाएगा? रेडियली इनवर्ड, लाइक चार्जेज में रेडियली आउटवर्ड्स ना, अवे अवे फ्रॉम द चार्जेज। और अनलाइक चार्जेस के लिए रेडियली इनवर्ड, रेडियली इन, ठीक है? इसमें क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, डायरेक्शन भी आपको याद रखना है, रेडियली इनवर्ड एंड रेडियली आउटवर्ड। तो उसके बाद हमने कहा था कि इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम के कह देते हैं, या क्या कह देते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम व्हिच इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम व्हिच मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन बिटवीन द चार्जेस. ठीक, तो हमने कहा था कि इसी को अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेट करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेट करेंगे तो जी क्या हो जाएगा, जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड इट इज कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल, यूनिवर्स मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. तो भैया ये जो है वो बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए जी को नाम ही दिया गया था क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. बट हम कहेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा. ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करेगा मीडियम पे, इसीलिए इसको जो है वो मीडियम के अकॉर्डिंग या इसमें एक मीडियम का भी फैक्टर आता है. जैसे एप्सिलॉन नॉट तो जो है वो किसके लिए है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या परमिटिविटी ऑफ मीडियम ना कह के हम क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस. ठीक है, विच मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन बिटवीन द चार्जेस. तो जी हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है किसके लिए, एयर के लिए लगभग लगभग सेम होती है क्योंकि एयर और वैक्यूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है. तो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए वैल्यू आ जाती है 8.85 × 10^-12. ठीक है, तो जो एप्सिलॉन नॉट है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी और इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी क्या, एसआई यूनिट हो जाएगी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है. ठीक है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक, अदर मीडियम के लिए हम क्या कहेंगे, फॉर अदर मीडियम देन वैक्यूम फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4πε r2. ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और K इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. ठीक है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी. इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम. ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने दिया था, the force between the two charge in vacuum is 80 newton and in water it is 0.8 newton. ठीक है, हमने कहा था कि दो charges के बीच में vacuum में force आ रहा है 80 newton और water में force आ रहा है कितना, 0.8 newton. calculate the dielectric constant of water. तो जब हम value calculate करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 100. और भैया ये ध्यान रहे जो k है it is a unitless quantity. इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी. ठीक है, बिकॉज रेशियो रेशियो. ठीक, इसके बाद हमने 1 μC और 3 μC के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन दिया था, तो ये सभी से हो ही गया था. ठीक है, 3 × 10^-3 क्या आई थी यूनिट, न्यूटन. न्यूटन. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक और एग्जांपल. हमें करना है कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter. हमें फोर्स निकालना है मिनिमम दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जिनके बीच का सेपरेशन क्या है, वो है 1 meter. कैसे करेंगे, दोनों का चार्ज 1.6 × 10^-19 मान लेंगे और बाकी सब वैल्यू रख देंगे. यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमें यहाँ पर चार्ज नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है क्या, कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स. ठीक है, हमें मिनिमम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो मिनिमम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने मिनिमम फोर्स निकालना है दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में. तो चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए हम कहेंगे द मिनिमम चार्ज पॉसिबल
2.304 into 10 की पावर माइनस 28 इन एनी ऑब्जेक्ट यस सर एनी ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन ठीक है इससे कम चार्ज नहीं हो सकता ठीक अब हम केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किए ले रहे हैं हमें साइन से मतलब नहीं है मतलब हम कहेंगे कि चाहे दोनों पे प्लस ही मान लो चाहे एक पे प्लस ही और एक पे माइनस ही मान लो चाहे दोनों पे माइनस ही मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है बाकी अब हम कहेंगे हमें चार्ज पता ही चल गया है क्यू इज इक्वल टू क्या है ई के 1.6 इनटू 10 के पावर 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 93 ई जो कि कितना हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा चार्ज ठीक बाकी डिस्टेंस हमें दी हुई है कितनी 1 मीटर 1 मीटर ठीक है 1 मीटर तो वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा कितना आ रहा आंसर 2.304 मैंने तीन वैल्यू निकाल ली है ना तीन तक किया है ना मैंने दो शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा मेरा तो 18 आ रहा भाई मेरा 2.304 इनटू 10 की पावर माइनस 28 कैसा अच्छा हो जाएगा ई स्क्वायर 29 हां सही है सर 28 ही आएगा 28 4 पाई 19 टू सर 28 नहीं होता एप्सिलॉन ठीक है नॉट और आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर तो सिंपली वैल्यू पुट करके इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा तो आंसर में एक बार बता दो सब लोगों कितना आ रहा है 2.304 इनटू 10 की पावर माइनस 20 माइनस 20 ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल लिखो यस सर Calculate the ratio of electrostatic force and gravitational force. बिटवीन ठीक है जिसमें दो पार्ट हैं पहला है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स दूसरा बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन between protons mass kitna hota hai electron kya wo complete ho jayega pehle part ka 4.17 into 10 power 31 plus 31 yes sir plus 31 अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बाकी लोग भी भैया निकालो चार्जेस मासेस पता है सब ठीक है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन
या लिख दें हम जल्दी जल्दी बताओ मास और चार्ज की वैल्यू लिखनी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की या पता है सभी को पता है सर मास लिख दीजिए चार्ज पता है किसका मास तो सभी का इलेक्ट्रॉन दोनों का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10^-31 क्या किलोग्राम केजी और मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10^-27 केजी 1.667 × 10^-27 केजी ठीक है किलोग्राम और भैया चार्ज भी अगर हम लिख दें किसने किसने निकाल लिए सारे आंसर पहले का आंसर पहले पार्ट का सर 10^44 आएगा पहले 4.17 × 10^44 4.17 × 10^44 ठीक है दूसरे पार्ट का आंसर 1.34 × 10^36 36 थर्ड पार्ट का सर निकाल दूसरा आंसर मतलब किसी को निकाल के दिखाना है कैलकुलेशन है इसमें सिंपली और कुछ नहीं है ठीक है आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आपको केवल और केवल जो है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका रेशियो निकालना है ठीक है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे आर के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में ही आर 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 आता है ग्रेविटेशनल फोर्स में भी और आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी तो जैसे एफ जी हम लिखेंगे तो एफ जी क्या होता है अगर हम सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखें एफ ई एफ ई क्या हो जाएगा एफ ई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए ई स्क्वायर ये रहा फॉर्मूला ये रहा सर थर्ड का 2.37 × 10^39 और एफ जी क्या हो जाएगा एफ जी हो जाएगा जी ME क्या ME मास ऑफ क्या था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अपॉन में आर स्क्वायर स्क्वायर तो जब आप रेशियो लोगे ना तो रेशियो लेने पर क्या हो जाएगा दोनों तो जब एफ ई अपॉन एफ जी करोगे तो भैया आर स्क्वायर कट जाएगा सर थर्ड भी हो गया एक मिनट ठीक तो यहां से आर स्क्वायर कट जाएगा तो सिंपली जो रेशियो है वो क्या जाएगा ई स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4πε₀ फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और जी एम ई स्क्वायर ठीक है
तो वैल्यू पुट कर देनी है इसमें. अब जब इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए ले लेंगे, और जब प्रोटॉन होगा तो ई स्क्वायर तो यही रहेगा, एम ई की जगह क्या जाएगा, एक में एम पी आ जाएगा. ठीक, थर्ड का आंसर क्या आ रहा है? 2.37 into 10 power 39. अब इसमें देखो तो भैया रेशियो देखो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, सबसे बड़ा रेशियो किसके लिए आ रहा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाले का कि दूसरा वाला जो है वो आंसर सबसे कम आना चाहिए, प्रोटॉन वाला. हाँ सर, प्रोटॉन वाला 36 है, उल्टा बता दिया. अब ठीक है, अब जरा जो हमने क्वेश्चन दिया था और जो उसके आंसर हैं ये जरा चेक करो. इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आंसर कितना आ रहा है? पावर आ रही है लगभग 10 to the power 44 आ रही है. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में लगभग पावर आ रही है 10 to the power 39, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में पावर आ रही है कितनी? 10 to the power 36. ठीक, सबसे ज्यादा रेशियो किसके लिए आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए. तो ये भैया रेशियो ऐसे मान चलो ये हाईएस्ट पॉसिबल रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीक फोर्स होता है. हमने शायद हम फोर्स कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर बताया था, कितने तरह के फोर्सेस होते हैं नेचर में. कौन कौन से फोर्सेस थे? चार होते हैं. चार कौन कौन से? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोन्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. जिसमें से नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. सबसे वीक फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकंड स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सेकंड स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेशियो आ रहा है ना ये सबसे हाईएस्ट रेशियो है इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सबसे कम मास का चार्ज पार्टिकल होता है. इससे कम मास का चार्ज पार्टिकल पॉसिबल नहीं है. दिस इज हाईएस्ट पॉसिबल रेशियो बिटवीन किसके किसके बीच? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन. ठीक है, क्यों, क्या कहेंगे हम उसके लिए? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट चार्ज पार्टिकल. ठीक, समझ में आ गया, आगे बढ़े. यस सर, यस सर. चलो ये तो हो गई हमारी कहानी कूलॉम्स लॉ के लिए. इसके बाद